नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले एक हफ्ते में तालिबान पर जोरदार एयर स्ट्राइक हुई है। इन हवाई हमलों में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। अफगान रक्षा मंत्रालय की माने तो बीते हफ्ते से अब तक करीब 800 आतंकी ठोके गए हैं। इन हवाई हमलों ने आतंकियों में हड़कंप मचा दिया है। आसमान से बरसने वाले गोलों से बचने के लिए वे लोगों के घरों में पनाह ले रहे हैं, जबकि अफगान और अमरीकी वायुसेना उन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। तालिबान नेता जबीउल्ला मुजाहिद ने दावा किया है कि अफगान वायुसेना को भारत से सैन्य सहायता मिल चुकी है। अफगान एयरफोर्स एयर स्ट्राइक के लिए जिन विमानों का इस्तेमाल कर रही है वे भारत द्वारा भेजे गए हैं। ये अफगानिस्तान के A-29 विमान या अमरीका के विमान हरगिज नहीं है। अफगान पायलट भारतीय फाइटर जेट से तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। जबीउल्ला ने यह दावा सिर्फ हवा में नहीं किया है, बल्कि हेलमंद प्रांत में जहां बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है वहां से जिंदा बचकर आए आतंकियों ने यह खुलासा किया है। उनके मुताबिक दो एयरक्राफ्ट जिनकी टेल पर तिरंगा बना हुआ था उनके द्वारा भीषण बमबारी की गई है, जिसमें 30 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। तालिबान के इन आरोपों पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर अफगान रक्षा मंत्रालय का एक बयान जरूर आया है जिसमें कहा गया है कि अफगान एयरफोर्स और अमरीकी सेना ने तालिबान पर कार्रवाई तेज कर दी है। जो बाइडेन के आदेश के बाद अमरीका के B-52 घातक बॉम्बर विमान रण क्षेत्र में उतर गए हैं। इन फाइटर जेट ने तालिबान को भारी क्षति पहुंचाई है। अमरीका ने अफगान सरकार को बचाने के लिए अपने F-16 विमान भी काबुल की ओर भेजे हैं। इन विमानों ने भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। 3 अगस्त को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की अपील की थी। इसके 3 दिन बाद तालिबान के आरोप सामने आए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि भारत ने कम से कम 5 फाइटर जेट और 6 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान भेजे हैं। हालांकि मुसलमान आतंकी ने यह नहीं बताया कि ये विमान किस श्रेणी के हैं। एयर स्ट्राइक में जीवित बचे लड़ाकों ने भी इस बाबत जानकारी नहीं दी है। अगर तालिबान के दावों को सच माना जाए तो भारत खुलकर सामने आने की बजाय अब पीठ पीछे बड़े गेम का हिस्सा बन गया है। भारत ने अपने फाइटर जेट अफगानिस्तान की वायुसेना को सौंपे हैं तो यह पाकिस्तान और तालिबान दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इस वक्त तालिबान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक हो रही है। अफगानिस्तान के पास A-29 घातक लड़ाकू विमान है, जबकि अमरीका F-16 और B-52 बॉम्बर जंग में उतार चुका है। तालिबान के पास अपनी कोई वायुसेना नहीं है। ऐसे में एयर स्ट्राइक ही ऐसा जरिया है जो तालिबान की कमर तोड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वह 2 हफ्तों से स्पिन बोल्डाक सीमा पर कुंडली मारकर बैठा है। पाक एयरफोर्स तालिबान की मदद के लिए वहां तैनात है। पिछले दिनों अफगान वायुसेना के A-29 विमानों ने वहां एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, मगर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर सीमा के 18 किलोमीटर दायरे में उसे विमान उड़ाने से रोक दिया था। परंतु अमरीका को रोक पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसकी ठुकाई होना भी तय है। यूं भी तालिबान के ऊपर कोई कूटनीतिक दबाव नजर नहीं आ रहा है। भारत के बहुत प्रयासों के बाद भी वह तालिबान पर दबाव बनाने में नाकाम रहा है, जबकि इस दौरान तालिबान अफगान सेना को छकाता हुआ 3 प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो गया है कि तालिबान से अफगान सरकार को बचाने के लिए एयर स्ट्राइक का सहारा लिया जाए। भारत के लिए बड़ी चिंता अरबों डॉलर से बने उसके प्रोजेक्ट भी हैं, जिन्हें तालिबान और पाकिस्तान मिलकर निशाना बना रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी फाइटर जेट की तैनाती जरूरी हो गई है। अफगानिस्तान के ताजा हालात भारत के लिए करो या मरो वाली स्थिति जैसे हो गए हैं। इस मामले को ज्यादा देर लटकाने से खतरा और बड़ा होता जा रहा है। फिलहाल अमरीका अफगानिस्तान में लौटता हुआ नजर आ रहा है। बाइडेन का यह बयान बड़ा इशारा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान तो छोड़ा है मगर तालिबान को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में तालिबान के दावों की सच्चाई भी सामने आएगी, पर जब तक यह सच सामने आएगा भारत का काम बहुत आसान हो चुका होगा। इसलिए एयर स्ट्राइक कोई भी विमान करे इसका फायदा अफगानिस्तान की जनता को ही मिलेगा, क्योंकि एयर स्ट्राइक की बदौलत ही तालिबान के परकुतरे जा सकते हैं। अगर भारत के फाइटर जेट अफगानिस्तान के आसमान में मौजूद है तो तालिबान का काल भी तय है। ये फाइटर जेट जाहिलों को निशाना बनाने में महारत रखते हैं। बालाकोट में आतंकियों को ठोककर इन्होंने यह साबित भी किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।